अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ एग की करी। इसके लिए मैंने अंडे बॉईल किए हैं और इसको फ्राई करने से पहले हम इसमें कट लगा लेते हैं जिसे तलने में फटता नहीं है और करी बनाने में भी इसमें मसाले अंदर तक पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये चार आलू आधे आधे काट लिए हैं, तीन प्याज चॉप करके रखी, एक टमाटर है, एक और प्याज है, इसे मैं टुकड़ों में कर लिए हैं। ये गरम मसाले के साथ मैंने प्याज और टमाटर पीस लिए, अदरक लहसुन भी साथ में पीसे हैं। ये मेरा मसाला तैयार हो गया है करी के लिए। अब मैं एक पतीली में तेल गरम करती हूँ, जब तेल गरम हो जाए तो हम इसमें अंडे फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से हो जाए तो हमें दूसरी तरफ थोड़ा सा पलट लेना चाहिए कि चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसमें तेज पत्ता और दालचीनी के दो टुकड़े डाले हैं। जब वो चटकने लगे तो हम इसमें चॉप की हुई दो प्याज डाल देते हैं और इसे ब्राउन करते हैं हल्की। जब ये प्याज ब्राउन हो जाए तो हम इसमें आलू डाल देते हैं। आलू को आप स्किप भी कर सकते हैं एक करी में, मैंने ये बच्चों के लिए डाल दिए थे। एक चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसे मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने जो मसाले पीसे थे, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और गरम मसाले, उसे मिक्स कर देती हूँ और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच चिल्ली पाउडर, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, अच्छी तरह से भूनने के बाद हम उसमें आधा कप पानी डाल देते हैं जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए और आलू भी साथ में गल जाए। अब इसे हम ढक कर रख देंगे कुछ देर पकने के लिए। बीच में हम इसे एक बार चला लेंगे
चेक कर लेंगे। अब हम इसे फिर खोल के चेक करेंगे 10 मिनट के बाद। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं, आलू भी अब हम चेक कर लेते हैं गले हैं कि नहीं। आलू भी गल चुके हैं, अब हम इसमें बॉयल किए हुए अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे मिला देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 बड़े कप से पानी डाले हैं। पानी डालने के बाद हम इसे फिर से पका लेंगे 2 मिनट। ये पकने शुरू हो गए हैं, अब हम इसे बंद कर देंगे। एक करी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, इसे धनिया पत्ती से हम गार्निश कर लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।